नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। बोकारो के चास स्थित होटल वीणा रेजिडेंसी में भाजपा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा सांसद पशुपति नाथ सिंह एवं बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में भाजपा के चास दक्षिणी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के तुष्टीकरण की राजनीतिक ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वहीं जल्द जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इस बैठक में हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों को कोरोना टीकाकरण दिलाने का भी काम करेंगे। चास नगर दक्षिणी मंडल के कार्य समिति की बैठक बड़ी भव्यता के साथ हो रही है। निश्चित रूप से अपने क्रियाकलापों की समीक्षा, भावी कार्यक्रम और राज्य सरकार के जो नाकामियां जिसको मुख मोड़ने के लिए विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरे का आवंटन किया ताकि लोग जो उनके चुनावी वादे थे उसको भूल जाए और झारखंड के लोग आपस में चलते जाए। तो हमें राज्य सरकार के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा बूथ कैसे मजबूत हो और कोरोना के कालखंड में हमारे कार्यकर्ता हरेक लोगों वैक्सीन दिलवाने का काम करें, टीका दिलवाने का काम करें ताकि कोरोना मुक्त भारत और कोरोना मुक्त हमारा बूथ। इस बैठक